के प्रदेश कार्यालय में 3 साल बाद आज कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव सहित 20 पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार केंद्र सरकार कश्मीरी नेताओं से बात करने जा रही है। इस वजह से इस बैठक का महत्व काफी बढ़ गया है। काफी नानुकुर के बाद कश्मीर के राजनीतिक दलों के संगठन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लोरेशन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया है। इस मुलाकात को केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम करने के लिए सभी दलों से बात करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा कर सकता है। और आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 में केंद्र ने जब ये यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया था तो उस वक्त भी केंद्र नेतृत्व ने वादा किया था कि घाटी में स्थिति ठीक होते ही राज्य का दर्जा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 दिन में दूसरी बार 10 लाख से अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार को देश में शाम 6 बजे तक लगे कुल 59 लाख डोज में से अकेले मध्य प्रदेश में 20% डोज लगाए गए। इस मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य बहुत पीछे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 21 जून को लगभग 17 लाख टीके लगे थे। इसके लिए मध्य प्रदेश का नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। पहले तो हम पूरे रीवा जिलावासियों का धन्यवाद दे थे कि जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा जो उन प्रशासनिक अमला रहा वो सब मिल के और जनता नेता समाज सेवी साधु महात्मा सब इकट्ठा लागे और जितना हमका लक्ष्य रहा उसे हम 133% ज़्यादा टीकाकरण हमारे यहाँ बा और अब आगे ये कैसन के बढ़े इसके लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कलेक्टर साहब चला रहे हैं। एमा जे जितने लोगन का ले आई उनकर एक पोर्टल है ओमा वो अपडेट कराई फोटो ओकर सर्टिफिकेट मिल जाए उनका कहू का जे जा 15,000 फिर 10,000 फिर 5,000 और 500 रुपया तक एकर इनाम है।